एक दिन मैंने एक फोटो देखी कि मोदी जी राकेश चुंझलवाला जी से मिलने गए हैं। हाँ। चुंझलवाला जी बैठे हुए हैं एंड मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, ये कौन है जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर सर खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं। हाँ। तब मैंने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड वहां से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। तो तब कई मुश्किल से जाके मैंने 2-3-4 लाख रुपए मांग लिए और शायद मैं इन्वेस्टमेंट में घुस पाया बिकॉज ऑफ दैट टाटा मोटर्स का शेयर जो उस टाइम पे मैंने 80 रुपीज में खरीद लिया। एंड आज अगर आप टाटा मोटर्स की वैल्यू देखोगे कई 700 रुपीज पे स्टैंड करती है। तो विद इन एन ईयर वो 4 लाख रुपए कहीं जाके 20 लाख रुपए बन गए। How much time did you spend in terms of researching about the stock before putting in the money in Tata? At that time, it took me around 1 month. 1 month you were just studying? I was just studying. About the stock. That time, मैंने काफी चीजें evaluate करी कि आगे आने वाला sector क्या है, future क्या है, and अभी भी मैं यही कहता हूँ कि EV sector, solar sector, ये वो sectors हैं जो आने वाले time में बढ़ेंगे। India is taking a progressive step towards EV sector, solar sector.